हेलो, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर सारे काम फुर्सत करके हम थोड़ा सा बैठ गए हैं यहाँ पे आके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। बहुत गर्मी होने लगी है। गर्मी का तो सीज़न है, मई का महीना चल रहा है, गर्मी तो होगी। और नाश्ता क्या, मेरा समझ लो खाना भी हो गया है, क्योंकि कल दिव्या ने मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी भेजी थी, तो पनीर की सब्ज़ी और पराठा हमने अभी अभी खा लिए हैं। ऐसे ही बैठे थे, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें। और मुझे जो है आज कुछ काम करना है, एक्स्ट्रा काम, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कुछ प्लान किया है हमने शाम के लिए, तो बस उसी की तैयारी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आजकल मुझसे जो है काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आंटी आप अपने चेहरे पर क्या लगाती हैं, आपका चेहरा बहुत साफ साफ और एकदम खिला खिला लगता है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि हम अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं जिससे मेरा चेहरा जो है इतना साफ और एकदम खिला खिला दिखता है। तो आजकल गर्मियों में हम लगाते हैं मार्थ का उबटन फेस मास्क। ये फेस मास्क बहुत अच्छा है। फेस मास्क को लगाने से पहले मैं अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। और किससे क्लीन करती हूँ, तो ये है मम्मा अर्थ का उबटन फेस वॉश। इससे हम अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी पसीना और कोई गंदगी ना रहे। क्योंकि इस मास्क को गंदे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस मास्क को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें। उबटन तो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और पहले ज़माने में हम इसका इस्तेमाल करते थे, तो इस फेस मास्क को लगाने से स्किन बहुत हेल्दी रहती है। मम्मा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और साथ में ही मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड भी होते हैं। मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए ये मेरा बहुत फेवरेट है। इस मास्क को लगाना बहुत आसान है, तो चेहरे को अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इससे ये अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए। चाहे तो आप अपनी गर्दन और हाथों पर भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए इसके साथ ये छोटी सी स्पून टाइप की दी गई है, इससे लगाना इसको और भी आसान हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लिया है। इसको 15 मिनट के बाद पानी से अच्छे से धुल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी से अच्छे से धुल लिया है और मेरा चेहरा कितना साफ और अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, साथ में दे दिया है एक कूपन कोड भी। इसको यूज करने पर आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ मम्मा अर्थ की साइड से इनको खरीदने पर। साथ ही ये प्रोडक्ट अमेजोन, नायका और पर्पल पर भी खरीद सकते हैं। और मम्मा अर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें आप सेल्स, डिस्काउंट और ऑफर की भी जानकारी ले सकते हैं और वहां से आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। आज हमने प्लान किया है कि बनाएंगे छोले और भटूरे, तो शाम को बनाएंगे छोले भटूरे, क्योंकि दिन में तो सब लोग रहते नहीं हैं घर में और ऐसी चीज़ें मतलब अकेले के लिए बनाना असंभव है। जब तक चार लोग खाने वाले ना हों तब तक बनाने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अकेले के लिए आप कितना कम बनाएंगे। तो जब से गर्मियां होने लगी हैं तब से हम लोगों ने दिव्या ने सबने जो है बाहर जाना बहुत कम कर दिया है, ना के बराबर एकदम छोड़ दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं जाने को मन नहीं करता है। और गर्मियों में थोड़ा बाहर का खाना कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कितनी भी केयर से बनाएंगे बाहर के लोग तो उतनी सफाई से चीज़ें नहीं बनाते हैं। और कभी कभी तो मतलब कुल मिला के मन नहीं करता है, गर्मियों में बाहर की चीज़ खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है और चीज़ें भी आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बस डेली वही दाल चावल सब्जी रोटी पराठा यही सब कुछ खाया जा रहा था। तो मेरे पास मैदा भी रखी थी काफ़ी दिन से और छोले भी रखे थे। तो और मेरे एक रिलेटिव हैं वो भी आए हुए हैं इस समय मेरे घर पर, तो 4-5 लोग हो जाएंगे मिलके तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा।
तो शाम को जो है प्लान कर लिया है छोले भटूरे बनाने का। तो छोले हमने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हैं, हालांकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन हमने सोचा धीरे धीरे बनाते रहेंगे, तैयारी करके रख लेंगे तो सही रहेगा, फिर एकदम हड़बड़ हड़बड़ बनाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मुझे अभी एक एक्स्ट्रा काम और करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो छोले हमने चढ़ा दिए हैं, छोले हमने रात को भिगो दिए थे पानी में, तो सुबह अच्छी तरीके से फिर उनको बॉयल होने से पहले अच्छे तरीके से उनको थाली में डाल के देख लिया है कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। वैसे कीड़ा वगैरह हमारी दालों में होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम सारी चीज़ें जो है पैकेट वाली यूज करते हैं, और पैकेट वाली चीज़ों में जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो बस फिर भी जो है अच्छी तरीके से देख लिया है, दो चार बार पानी से वॉश कर लिया, धुल लिया अच्छे से, और थोड़ा सा नमक और एक चुटकी जो है खाने वाला सोडा डालकर चढ़ा दिए हैं। वैसे तो बिना सोडा के भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो छोले एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और आज छोले बनाएंगे एकदम अलग तरीके से, अपने स्टाइल में, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोग कैसे छोले बनाते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताना। और बहुत सारे लोग जो है जब ये कमेंट करते हैं कि आंटी मेरी भी मम्मी नहीं है, आप एकदम मेरी मम्मी जैसी हो, क्या मैं आपको मम्मी बोल सकती हूँ, ये कमेंट मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आप एकदम दिल खोल के बेहिचक आप हमें मम्मी बोल सकते हैं, और अपनी मम्मी हमें मान भी सकते हैं, कोई भी बात हो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे जो है शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बेहिचक हमें मम्मी बोलिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बहुत गर्व की बात है। तो आप लोग बेहिचक हमें मम्मी बोलिए। छोले बनाने के लिए जो हमने बॉयल होने के लिए रखे थे, तो छोले बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, इनको हमने खोल के देख लिया है। तो छोले बाद में बनाएंगे, भटूरे बनाने के लिए पहले मैदा को तैयार करके रख देंगे गूंथ के, क्योंकि मैदा फूलने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे पास तो वैसे अभी टाइम ही टाइम है, लेकिन फिर भी पहले मैदा को गूंथ के रखेंगे। तो ये है 500 ग्राम मैदा। तो मैदा, बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं, तो कीड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और पैकेट वाली चीज़ों में तो वैसे भी नहीं होते, और हम पैकेट बाहर भी नहीं रखते हैं। 4-5 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी, मेरी बेटू को मिला के 5 लोग हो जाएंगे, और मेरी बेटू को भटूरे पसंद भी बहुत है, वाइट वाली पूड़ी बोलती हैं। तो ये मैदा हमने निकाल ली है, अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल आधी चम्मच, और आधी चम्मच डालेंगे खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, इससे भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। और अब डालेंगे दही, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये दही रखा है मेरे पास, 100-150 ग्राम दही होगा ये, तो इतना दही काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे मोयन के लिए ऑयल, तो अभी हमें पैकेट खोलना है सफोला का, तो मेरे पास ये कढ़ाई में थोड़ा सा रखा था, इसी से डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच के बराबर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, तो इससे जो है भटूरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, जैसे चीचड़ जैसे हो जाते, एकदम खींचा ऐसे खींचने से लगते हैं, तो वो नहीं होगा, इससे ज़रा सा मोयन डालने से। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को गूंद लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी है अभी।
बनाने के लिए हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। प्याज पीस के रख लिया है, टमाटर पीस लिए हैं और सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। तो फटाफट छोले बनाते हैं और भटूरे जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे खाने वाले तो गरम गरम बनाते जाएंगे और सब लोग खाते जाएंगे। एक कटोरी में मसाले निकाल लेंगे। मसालों में बस वही नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आप लोग पसंद करते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला, दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और ये है किचन किंग मसाला। ये मसाला इतना अच्छा होता है, इसको आप किसी में भी डाल सकते हो, पनीर में भी डाल सकते हो, छोले में, सब्जी में। तो थोड़ा सा ये डालेंगे एक चम्मच। तो यहाँ पर इस कटोरी में हमने सारे मसाले इकट्ठे कर लिए हैं। अब इनमें थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, थोड़ा सा जब तक तेल वगैरह गरम होगा, कढ़ाई गरम होगी तब तक ये मसाले फूल जाएंगे। तो इस तरीके से सब्जी या छोले या कुछ भी बनाने में मसाले भी नहीं जलते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है, सिलबट्टे वाला। और तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, भी ज़्यादा सी हींग, प्याज डाल देंगे, तो प्याज अब अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और आप लोग देख सकते हैं तेल एकदम से अलग होने लगा है। तो अब ये टमाटर डालकर इनको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इनसे तेल नहीं अलग होगा, क्योंकि प्याज और टमाटर का कच्चापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टमाटर भी बहुत अच्छे से भून गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें ये मसाले जो हमने अभी भिगो के रखे थे और इनको भी जो है मसाले और मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। लेकिन बहुत पहले जब हम छोले बनाते थे तो इनका पानी हम अलग कर लेते थे, तो एक बड़े बर्तन में पानी अलग कर लिया। हालांकि मुझे यही पानी यूज करना है बाद में, लेकिन अभी हम पानी के साथ इसको नहीं डालेंगे कढ़ाई में, क्योंकि फिर चने जो है अच्छे से भून नहीं पाते हैं और थोड़ा सा पानी पानी सा लगने लगता है, या तो फिर बाद में फिर इनको काफ़ी देर तक बॉयल करो। तो इस तरीके से आप लोग कभी बना के देखना, एकदम अलग टेस्ट लगेगा आप लोगों को। तो अब मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब ये चने डाल देंगे और चने डालकर थोड़ी देर इनको अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद में ऊपर से ये पानी डालेंगे। थोड़े से चने कुकर में रह गए, ये भी डाल दे रही और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको जो है चारों तरफ से छुड़ा के वो भी पानी डाल लेंगे। थोड़ी देर इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। इस तरीके से छोले बनाने में, छोले में एक अलग ही टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई करके देखना। तो अब छोले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब ये जो इससे पानी निकला था अब डाल देंगे। और बॉयल करते समय हमने नमक तो इसमें डाला ही था, लेकिन थोड़ा सा नमक और डालेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर की इतनी सारी ग्रेवी जो पड़ी हुई है उसमें, और छोले को आपको कितना पतला कितना गाढ़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थोड़ी देर इनको बॉयल करेंगे। इधर छोले बन रहे हैं, तब तक ये है मेरे पास एक पैकेट दूध, तो इस तरफ वाले गैस पर दूध को हम चढ़ा देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कुछ मीठा नहीं बनाया है, तो सोच रहे हैं खाने के साथ कुछ मीठा बना लें। तो बनाएंगे मीठी सिमई थोड़ी सी, है मेरे पास थोड़ा पनीर, तो छोटे छोटे टुकड़े काट कर थोड़ा सा पनीर डालेंगे छोले में, क्योंकि हम लोगों को छोले में पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस आज का मेरा स्पेशल डिनर जो है तैयार हो गया है बनके, और जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद तुरंत खीरा को घिस के रायता बना लेंगे
और फटाफट से गरम गरम भटूरे सेंक देंगे। तो मेरे छोले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। अब 2 मिनट में इधर मेरी सिमई भी बन जाएंगी, तब गैस बंद कर देंगे।